नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बार फिर हम अपनी विशेष श्रृंखला लर्न संस्कृत बी मॉडर्न के तहत आपके लिए इस व्याख्यान को लेकर आए हैं। बताना चाहेंगे, ये 48वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत आज हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि आप सभी छात्र छात्राओं को, आप सभी जिज्ञासुओं को हम लाभान्वित कर सकें। मित्रों, हम आज के इस व्याख्यान में पूर्णी संख्या पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कुछ स्पोकन सेंटेंसेज, एक कहानी और भगवद गीता से एक श्लोक पर। और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं, लिखते हैं, और आप सभी जितने भी जिज्ञासु हैं जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, आपको निरंतर अपने ज्ञान रूपी सागर से ओतप्रोत करते हैं। मित्रों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। उनके माध्यम से आज के इस व्याख्यान से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्करोमि, स्वागतम अत्र भवताम भवताम सर्वेषाम अपि संस्कृत अनुरागिणाम। आज हमारे विक्रम संवत्सर के अनुसार पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, उसका शुभारंभ है, और रमजान, पवित्र रमजान महीने का भी शुभारंभ है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। शुभम कामये मम हार्दिक्यः मंगल कामनाः अत्र वितरामि। अद्य वयम् अस्मिन् व्याख्याने, अष्टचत्वारिंशत्तमे व्याख्याने, पूर्णी संख्याम अधिकृत्य किंचित पठिष्यामः। हमारे विगत व्याख्यान में हमने गुणन सारणी के बारे में कहा था, टेबल्स के बारे में, जिसमें द्वे सकृत, द्वे द्वे द्वि चत्वारि के बारे में हमने पढ़ा था, और एक दो टेबल के बाद वैदिक गणित के बारे में कहा था, जिसमें दो डिजिट के जितने भी टेबल है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और आसानी से उसको सीख के हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस बात को कहने के बाद अब मैं पूर्ण संख्या के बारे में आपको कहूंगा। पूर्ण शब्द से आप समझ गए होंगे, कंप्लीट, पूर्ण होना, परफेक्ट हो जाना। यानी कि 10 बच्चे हैं ऐसा हम कहेंगे, तो 10 में से कोई एक, या 10 में से एक कहेंगे तो कोई भी एक हो जाएगा, लेकिन हम जब प्रथम कहेंगे तो द फर्स्ट जो है उसका बोध होगा। तो इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जो शब्द के रूप बनते हैं उसको संस्कृत में हम कैसे चलाते हैं, एक, द्वि, त्रि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय कैसे बनता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहला यानी फर्स्ट, दूसरा यानी सेकंड, तीसरा यानी थर्ड, और इसी तरह से चौथा यानी फोर्थ, पांचवा यानी फिफ्थ, ये शब्द इसको संस्कृत में एक, द्वि, त्रि आदि से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो ये मैं आपके सामने चार्ट रख रहा हूं। पहले हिंदी में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां, ये जिसको एक, दो, तीन, चार है उसको पूर्ण जब हो जाए, एकदम पर्टिकुलर संख्या जिसकी हो जाती है, तो उसको अंग्रेजी में हम वन की जगह फर्स्ट हो जाएगा, टू की जगह सेकेंड, थ्री की जगह थर्ड, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ होगा। इसी को संस्कृत में जब हम का रूप चलाएंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, इन अर्थों में संस्कृत में ये पूर्णी संख्या बनाते हैं। लेकिन इन पूर्णी संख्या का जैसे प्रथम हो जाए तो वो किस तरह से उसका रूप चलेगा, क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक रूप व्याकरण के नियमानुसार चलते हैं, तो किस किस जेंडर में चलेगा और कैसे होगा वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। इसके सामान्य रूप से व्याकरण के अष्टाध्यायी के हिसाब से तो सूत्र है, वहां नियम दिए हुए हैं, लेकिन सामान्य रूप से समझने के लिए आप समझिए चार नियम हमको याद रखने होंगे। पहला नियम, सर्वासामपि पूर्णी संख्यानाम रूपाणी त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ भी आपने देखा, ये सारे पूर्णी संख्या के रूप तीनों लिंग में चलेंगे। यानी प्रथम जैसे रूप हुआ तो प्रथमः बालकः पुल्लिंग में हो गया, पहला, दस में से पहला बच्चा, अब वहां बालिका हो तो प्रथमा बालिका, और दस पुस्तक है उसमें से पहली किताब उठाना कहेंगे तो प्रथमम पुस्तकम आनयतु, इस तरह से तीनों लिंग में, यानी कि सामान्य लिंग इसका हो जाएगा। जैसे कारक में ये संदर्भ आता है कि कई शब्द है तो उसका सामान्य लिंग होता है, जो तीनों लिंग में वो शब्द चलते हैं, तटा, तटी, तटम,
ये उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह से प्रथमा प्रथमा प्रथमम तीनों लिंग में, इसी तरह द्वितीय है तो द्वितीय द्वितीया द्वितीयम, तृतीय है तो तृतीय तृतीय तृतीयम, तृतीय छात्र तृतीय बालिका तृतीय पुस्तकम, तो इस तरह से तीनों लिंग में चलेंगे। ये पहला नियम। अब उसका अनुवर्ती दूसरा नियम है कि पुल्लिंग हो और अकारांत, माने पुल्लिंग में ज्यादातर अकारांत, जैसे राम बलदेव अशोक बालक रौनक, इस तरह से अ अंत में आए और पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर हो तो उसका रूप बालकवत चलेगा। जैसे हमने अपने पांचवें व्याख्यान में ये रूप दिया हुआ है, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, संस्कृतम पठ आधुनिको भव, उस सीरीज में पांचवा जो व्याख्यान था उसमें बालक का रूप दिया है, बालक बालको बालका बालकम बालको, ये आप जानते हैं। तो इसी तरह से पुल्लिंग है तो प्रथमा प्रथमौ प्रथमा प्रथमम प्रथमौ प्रथमान प्रथमेन प्रथमाभ्याम प्रथमे प्रथमाय प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः प्रथमात् प्रथमात् पंचमी एक वचन में तद विकल्प से प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः प्रथमस्य प्रथमयो प्रथमानाम प्रथमे प्रथमयो प्रथमेषु हे प्रथम हे प्रथमौ हे प्रथमा, ये तो पुल्लिंग में हो गया। अब आते हैं दूसरा नियम, नपुंसक लिंगेपि अकारांतम सत् फलवत्। अगर वो नपुंसक लिंग है प्रथमम पुस्तकम प्रथमम फलम प्रथमम पुष्पम, तो नपुंसक में भी फल की तरह इसका रूप चलेगा, फलम फले फलानी फलम फले फलानी हमने रूप चलाया था, उसी तरह से प्रथमम प्रथमे प्रथमानी प्रथमम प्रथमे प्रथमानी, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में, फिर तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान रूप चलेगा, जैसे बालकेन प्रथमेन, इसी तरह से प्रथमेन प्रथमाभ्याम प्रथमे प्रथमे भी ही प्रथमे ही इस तरह से रूप चलेगा। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम नपुंसक लिंग में अकारांत फलवत। अब चौथा लिंग नियम है वो है स्त्रीलिंग में पूर्णी संख्या, जैसे कि प्रथमा द्वितीया तृतीया, आज कौन सी तिथि है कहिए, द्वितीया तिथि है, कौन सी तृतीय तृतीया तिथि है, तो ये आकारांत होगा। स्त्रीलिंगे पूर्णी संख्या येषा एकतः चतुर पर्यंतम, माने प्रथमा द्वितीया तृतीया और तुरीया या तुरिया, वो विकल्प से होगा मैं आपको बताऊंगा, और विकल्प से ई भी होता है तो चतुर्थी हो जाता है, उसको मैं अभी व्याख्या करता हूं। तो ये तुरिया या तुरिया में ये सारे आकारांत है तो उसको लता के समान उसका रूप चलेगा। लता का रूप हमने अपने पिछले इसी सीरीज के व्याख्यान 7 या 8 में मैंने आपको बताया है, लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लता भी। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा प्रथमे प्रथमा प्रथमाम प्रथमे प्रथमा प्रथमया प्रथमाभ्याम प्रथमाभिः प्रथमायै प्रथमाभ्याम प्रथमाभ्यः प्रथमाया प्रथमाभ्याम प्रथमाभ्यः पंचमी विभक्ति तीनों वचन, षष्ठी में प्रथमायाः प्रथमयोः प्रथमानाम, सप्तमी में प्रथमायाम प्रथमयोः प्रथमासु हे प्रथमे हे प्रथमे हे प्रथमाः। तो इस तरह से आकारांत जो शब्द होंगे यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया और तुरीया या तुरिया, तो इसका तो आकारांत का लतावत चलेगा चतुर इत्यत्र। लेकिन अब जो है इसमें पेच है वो मैं आपको बताऊं कि परमच चतुर्थ आरभ्य, चौथे संख्या से लेकर जो विकल्प से हम चलाएंगे उत्तरोत्तरम पूर्णी संख्या, माने पंचम षष्ठ सप्तम, ये इकारांत सती माने पंचमी हो जाएगा, षष्ठी कौन सी तिथि है, षष्ठी है, सप्तमी में आज दशमी है, तो इकारांत सती नदीवत रूपाणी धारयति। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी अपने 9वें व्याख्यान में हमने इसी सीरीज में दिया है, तो नदी का रूप इस तरह से चलेगा, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, इस तरह से चतुर्थी या पंचमी, पंचमी पंचम्यौ पंचम्यः पंचमीं पंचम्यौ पंचमीः पंचम्या पंचमीभ्यां पंचमीभिः पंचम्यै पंचमीभ्यां पंचमीभ्यः पंचम्याः पंचमीभ्यां पंचमीभ्यः पंचम्याः पंचम्यौ पंचमीनां, षष्ठी में, और सप्तमी में पंचम्यां पंचम्योः पंचमीषु हे पंचमी हे पंचम्यौ हे पंचम्यः। तो इस तरह से हमने देखा कि चतुर्थी का भी इसी तरह चतुर्थी चतुर्थो चतुर्थी विकल्प में। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के बाद क्या इसमें खास आता है, तो ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा, संख्या 1 2 3 4
तो एक में प्रथमः प्रथमा प्रथमम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में, और द्वितीयः द्वितीया द्वितीयम, तृतीयः तृतीया तृतीयम, ये शब्द बनेंगे। और इसका रूप कैसे चलेगा मैंने पहले बता दिया। अब चतुर शब्द आता है तो चतुर को च को त होके उत्व हो जाता है, या जो भी मतलब तुरीयः शब्द बनेगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में तुरीया, नपुंसक में तुरीयम। और विकल्प से जब इकार का लोप हो जाएगा तो होगा तुरीयः, तुरिया, तुरियम, ये दो रूप बनेंगे पूर्णी संख्या में। और तीसरा विकल्प से बनेगा चतुर्था, चतुर्थी, चतुर्थम। तो ये चतुर्थी इकारांत है और नदी के समान चलेगा, और पंचन का पंचमः, पंचमी, पंचमम, ये रूप चलेगा। अब ये पूर्णी संख्या पांच तक मैंने आपको बताया, छह सात आठ नौ और अठारह तक किस तरह से है ये हम अगले व्याख्यान में लेंगे। अब हम ये रूप चलाने के बाद द्वितीय क्रमे वयम प्रवेशम कुर्मः कथा कौमुदी पंचतंत्रम, लेखकः विष्णु शर्मा, ओम नमः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः महाकविभ्यो नमः। वार्तालाप चल रहा था पिंगलक और मदनक का, जिसमें मदनक कहता है अश्वः शास्त्रम, अश्वः शास्त्रम शास्त्रम, वीणा वाणी नरः च नारी च, पुरुष विशेषम प्राप्ता भवन्ति अयोग्याः च योग्याः च, अयोग्याश्च योग्याश्च, संधि करके बोलेंगे। तो उस समय पिछले व्याख्यान में मैंने आठ कहा था, लेकिन ये सात है, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। अश्वः एक, शस्त्रम दो, शास्त्रम तीन, वीणा चार, वाणी पांच, नरः छः और नारी सात। ये सात जो गिनाया है, घोड़ा, आयुध, शास्त्र विद्या, वीणा वाद्य, वाणी माने कथन, वाणी स्पीच, नर पुरुष नारी महिला, ये सात जिसके अधीन हो या जिसके अंडर काम करे वो पुरुष यानी अधिकारी, सीनियर, बॉस, जो भी है राजा, वो उस व्यक्ति के आधार पर योग्य या अयोग्य होते हैं। यानी शेर को, पिंगलक को मदनक कह रहा है कि आप डर गए इसलिए आपके अधीनस्थ जितने लोग हैं वो डर गए हैं, अगर आप साहस करेंगे तो आप भी इस वन में रहेंगे और आपके अधीनस्थ लोग हैं वो भी रहेंगे। तत् पौरुषाविष्टम कृत्वा त्वं तावद् अत्रैव प्रतिपालय, इसलिए आप पौरुष को धारण करके यही प्रतीक्षा कीजिए, यावद् अहम् एतत् शब्द स्वरूपं ज्ञात्वा आगच्छामि, जब तक कि मैं ये शब्द महांत शब्द महांतम शब्दम श्रुत्वा, जो महान शब्द है जिसको सुनकर आप डर गए हैं वो कौन है वो जानकर मैं आता हूँ। ततः पश्चात यथोचितम कार्यम, उसके बाद आप जो उचित समझते हो करना। पिंगलक आह, पिंगलक ने कहा किम तत्र भवान गंतुम उत्साहते, मैंने जैसे कहा था वयम दैनंदिन संभाषणे, संस्कृत संभाषणे अस्य वाक्यस्य प्रयोगम कर्तुम अर्हामः, किम तत्र भवान गंतुम उत्साहते, किम एतत् कार्यम कर्तुम भवान उत्साहते, आप ये करना चाहते हैं क्या, आप इसके लिए तैयार है, इस तरह का भाव इस वाक्य में है। सह आह, तो दमनक ने कहा स्वामिनः आदेशात् सद्भृत्यस्य कृते किम नाम कृत्या कृत्यम अस्ति, मालिक स्वामी का आदेश हो तो जो उसका समर्पित डेडिकेटेड जो भृत्य है, सेवक है, उसके लिए क्या तो कृत्य और अकृत्य माने करने लायक अकरने लायक कुछ नहीं होता, स्वामी ने जो आदेश दिया वही वो करता है। उक्तम च, क्योंकि नीति में कहा है स्वामिनः आदेशात् सुभृत्यस्य नभो संजायते क्वचित् प्रविशेत् मुखम आहेयम् दुस्तरम् वा महार्णवम्, स्वामी का आदेश हो तो जो समर्पित सेवक है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो आहेयम मुखम माने सर्प के मुख में भी प्रवेश करेगा या उसके दर में या जो राफड़ा होता है जिसमें सांप रहता है वहां भी चला जाएगा, और दुस्तरम वा महार्णवम प्रविशेत, महान जो दुस्तर्ण समुद्र है जिसको तैरा नहीं जा सकता, अगाध समुद्र, उसमें भी वो कूद जाएगा। पिंगल कह आह भद्र यदि एवं तदगच्छ, यदि तुमने ऐसा सोचा है और निर्णय किया है तो जाओ। गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और उसके लिए शुभकामना शिवाहते पंथानः संतु, विश यू ऑल दी बेस्ट, तुम्हारे पंथानः तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे रास्ते शुभ हो यानी तुम्हारी यात्रा शुभ हो। दमनकः अपि तम प्रणम्य, दमनक ने भी
पिंगलक को प्रणाम करके संजीवकस्य शब्दानुसार ही संजीवक जो बैल था उसका जहां से शब्द आवाज आ रही थी उस ओर वो चल पड़ा। प्रतस्थे अथ गमनके गते, इसको बोलते हैं सती सप्तमी विभक्ति कारक में। दमनके गते, दमनक के जाने पर भय व्याकुल मनाः, पिंगलक तो पहले से डरा हुआ था और जब उसका दमनक जिसको वो भ्रष्टाधिकार हटा दिया गया था वो संधि के लिए भेजा गया तो भय व्याकुल मना, उसका मन भय से व्याकुल हो रहा था। पिंगलक चिंतयामास, और वो सोचने लगा। क्या सोचता है? अहो न शोभनम कृतम मया, मैंने ठीक नहीं किया। यत् तस्य विश्वासम गत्वा, इस पर दमनक पर विश्वास करके आत्मनः अभिप्रायो निवेदितः, अपने मन की बात मैंने जो मेरा मन का रहस्य था गुप्त बात थी वो इसको बता दी। अभिप्रायः मंतव्य विचार ओपिनियन फीलिंग, ये सब अर्थ में अभिप्राय कहेंगे। निवेदितः बता दिया। अब पिंगलक सोच रहा है कदाचित दमनक अयम, ये जो दमनक मंत्री पुत्र है, उभय वेतनो भूत्वा, उभय माने दोनों ओर, मेरी ओर से और संजीवक की ओर से दोनों का विश्वास लेकर मम उपरि दुष्ट बुद्धि स्याद, और मेरी ओर पहले से उसके हृदय में गुड फीलिंग नहीं है क्योंकि भ्रष्टाधिकार है तो मेरे बारे में वो सोचता है कि ठीक नहीं किया है मेरे राजा ने पिंगलक ने, तो दुष्ट बुद्धि स्याद, शायद उसके मन में ये दुष्टता आ जाए भ्रष्टाधिकारत्वात, क्योंकि उसको हटा दिया गया इसलिए। तत्तावद, अब पिंगलक प्रिकॉशन ले रहा है, अस्य चिकीर्षितम वित्तुम कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, ये व्याकरण का एक और अच्छा अध्याय है जिसमें सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में, करने की अर्थ में, इच्छा के अर्थ में। तो जैसे करोति कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, गंतुम इच्छति जिगमीषति, इसी तरह से ज्ञातुम इच्छति जिज्ञासति, मर्तुम इच्छति मरना चाहता है मुमूर्षति। तो ये सन प्रत्यय होकर जो धातु का मूल प्रथम जो धातु का भाग है स्वर व्यंजन जो भी है उसको द्वित्व हो जाता है, जाना चाहता है गंतुम इच्छति जिगमीषति, तो गम गम जिगम बन जाएगा और इस तरह से रूप चलते हैं। तो चिकीर्षितम वित्तुम, उसके मन में क्या वो करना चाहता वो जानने के लिए अन्यत स्थानांतरम गत्वा, दूसरी जगह पर मैं जाकर प्रतिपालयामी, जिस जगह पर मैं बैठा हूं वहां से अपना जगह बदल के दूसरी जगह जाकर मैं वेट करता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि जब ये लौटेगा दमनक तो उसके मन में क्या है, मेरे जो गार्ड्स है वो भी जान लेंगे कि वो कहीं उस जो बड़ा महान शब्द आ रहा है उस व्यक्ति को साथ में लाके मेरे पे अटैक न कर दे। कदाचित दमनक तम आदाय माम व्यापादयितुम इच्छति, कदाचित शायद दमनक तम उस कोई भी जो व्यक्ति प्रतिपक्षी है मेरा जो शत्रु जी तो इतनी बड़ी आवाज करने वाला है, आदाय लाकर दत्वा देकर, अब आ उपसर्ग है तो त्वा को ल्यप हो गया, आदाय माने आकर लाकर साथ में लाकर, मां मेरे को व्यापादयितुम इच्छति, मेरे को मारना चाहे, व्यापादयितुम मारयितुम, एवं संप्रधार्य ऐसा सोचकर निर्णय करके स्थानांतरम गत्वा, जहां बैठा था जब दमनक उसको छोड़ के गया वो जगह छोड़ के किसी और जगह पर, स्थानांतरम गत्वा जाकर दमनक मार्गम, दमनक का बाट जोहना, मार्गम अवलोकयन प्रतीक्षा कर रहा था एकाकी स्तस्थौ, अकेला अपना जो संगी साथी गार्ड्स वगैरह थे दूसरे पशु पक्षी उसको छोड़कर अकेला एक गुप्त जगह पर जाके बैठ गया पिंगलक। दमनक अपि संजीवकस्य सकाशं गत्वा वृषभोयम् इति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचिन्तयत्। दमनक सियार जो कि चालाक माना जाता है, वो भी जहां से बड़ा शब्द आ रहा था तो संजीवक बैल कर रहा था तो संजीवकस्य सकाशं गत्वा, सकाशं पार्श्वे समीपम, उसके पास जाकर गत्वा जाकर वृषभोयम् अयम् वृषभः, ये तो बैल है, इति परिज्ञाय इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर हृष्टमना मन में खुश हो गया, उसका मन खुश हो गया। व्यचिंतयत अचिंतयत वि उपसर्ग व्यचिंतयत, उसने सोचा अहो शोभनम आपतितम, दमनक खुश हो गया,
और ये पंक्ति जैसे शिवाहते पंथानः संतु, उसी तरह से अहो शोभनम, कोई अच्छी है ओ वो वेरी गुड ऐसा हम बोलते हैं, अहो शोभनम आपतितम बहुत अच्छा हुआ, क्या अनेन एतस्य संधि विग्रह द्वारेण। अब मैं क्या करूंगा, दमनक सोच रहा है कि ये तो बैल है, इसका शेर के साथ संधि, पहले तो मैं दोस्ती करवा देता हूं, इसके जो प्रोटोकॉल होता है संधि होता है वो करवा के विग्रह, फिर उसमें मैं विग्रह युद्ध करवा दूंगा, लड़ाई करवा दूंगा, इसके द्वारा संधि और विग्रह के द्वारा मम पिंगलक वशो भविष्यति, ये जो पिंगलक राजा है मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, इति ऐसा सोचता है। एवं विचिंतयन पिंगलकाभिमुखा प्रतस्थे, ऐसा सोचकर वो शेर की ओर अभिमुखा, उसकी ओर प्रतस्थे प्रस्थान किया। पिंगलक अपि तम आयांतम प्रेक्ष, पिंगल दूर से देख रहा था, आप ठीक वैसे समझिए बाली सुग्रीव की कथा को अगर याद करें, तो जब बाली के साथ सुग्रीव का जो भी हुआ तो बाली ने गुस्से में सुग्रीव को मारने के लिए जब वो हुआ तो वो ऋषिमुख पर्वत पर जाके छुप जाता है और उसके मंत्री है हनुमान, तो वो पर्वत से देखता था कौन आ रहा है, कोई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है, कोई गुप्तचर तो नहीं है, तो राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जब आ रहे थे ऋषिमुख पर्वत के पास तो दूर से देखकर तो दो तपस्वी जैसे आ रहे हैं, वो हनुमान को भेजता है सुग्रीव कि जाके देखो ये कौन है, दो तपस्वी के रूप में कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत या गुप्तचर तो नहीं है। तो इस तरह से पिंगलक दूर जगह बैठा ऊंचाई पर देख रहा था और क्या किया, तम आयांतम प्रेक्ष, उसको आता हुआ दूर से इक्षित्वा प्रउपसर्ग त्वाकोल्यप, जैसे प्रेक्ष देखकर स्वाकारम रक्षम, अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टेड किया, स्वीय आकारम रक्षण, अपने आप को रक्षा, यथा पूर्व स्थितः, जैसे पहले था वैसा ही वो नॉर्मल हो गया। दमनकोपि पिंगलकस्य सकाशम गत्वा प्रणम्य उपविष्ट, और दमनक भी पिंगलक के पास जाकर प्रणाम करके वहां बैठ गया। अब पिंगलक उसको पूछता है, आह किम दृष्टम भवता तत् सत्वम, सत्वम माने कोई भी प्राणी जिसमें प्राण तत्व है, क्या तुमने उस प्राणी को देखा जो इतनी बड़ी आवाज कर रहा है। दमनक आह, दमनक ने कहा दृष्टम स्वामी प्रसादात, आपके प्रसाद आपकी मेहरबानी से मैंने देखा कौन है जो ये आवाज कर रहा है। पिंगलक आह अपि सत्यम, क्या सचमुच में तुमने उसको देखा, ये अपि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, अपि माने भी होता है ऑल्सो के अर्थ में, लेकिन क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव में पहले अपि आएगा तो इसका मतलब क्या, अपि सत्यम सच में तुमने उसको देखा क्या। दमनक आह किम स्वामी पादानाम अग्रे असत्यम विज्ञाप्यते, क्या मैं आप मालिक के सामने स्वामी के सामने असत्य बोलूंगा। उक्तम च क्योंकि अपि स्वल्पम असत्यम यः पुरो वदति भूभुजाम देवानाम च विनश्यते सद्रुतम सुमहानपि। दमनक नीति कहता है कि भूभुज माने राज्ञा, जो राजा लोग हैं मालिक लोग हैं उनके सामने पुरो माने पुरा सामने यह असत्यम वदति, झूठ बोलता है। स्वल्पम अपि असत्यम वदति, थोड़ा सा भी कोई झूठ बोलता है वो सद्रुतम सुमहान अपि, कितना भी बड़ा हो फिर भी देवानाम च विनश्यते, उसके जीवन में जो कुछ भी दिव्यता प्राप्त करने वाली चीजें होती हैं वो सब नष्ट हो जाती है। माने असत्य बोलने से या असत्य आचरण करने से हमारे जितने सुकृत है जो कुछ हमारे अनुकूलता होती उसमें बाधा आती है। इस बात पर भी महान पुरुष कई बातें कहते हैं कि कलयुग में हम जो बोलते हैं वो होता क्यों नहीं है, या हमारे वचन का प्रभाव क्यों नहीं होता है, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो है उसका मंत्र जाप करते उसका लाभ होना चाहिए। तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे मन वाणी कर्म में सत्य का आचरण नहीं होने की वजह से उसका प्रभाव नहीं होता है। दिव्य वस्तुओं में वो शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस
की जो एकाग्रता, समर्पण और निष्ठा चाहिए और निष्कपटता चाहिए हृदय की, वो नहीं होने, सत्य हम बोलते सोचते हैं लेकिन कई जगह असत्य का आचरण करते हैं, असत्य सोचते हैं, असत्य बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो सुकृत है वो दुष्कृत में बदल जाते हैं। तो इसीलिए असत्य थोड़ा सा भी अगर बोला जाए, दमनक कहता है पिंगलक को, तो वो हमारे शुभ कर्म को, दिव्यता को नष्ट कर देता है। पिंगलक आह, तो पिंगलक कहता है सत्यम दृष्टम भविष्यति भवता, सत्यम दृष्टम भविष्यति, तो तुमने जो देखा वो सची जैसा तुम सोते हो वैसा होगा। न दीनस्य उपरि महांतः कुप्यन्ति इति न त्वं तेन निपातितः, जो गरीब है, दीन है, असाधन है, निस्सहाय है, उसके ऊपर बड़े लोग जो बड़े होते हैं न कुप्यन्ति, वो क्रोध नहीं करते हैं, नहीं तो तुम उसके पास गए, तुमने उसको देखा, तुम मिलके आए हो, ऐसा मान के पिंगलक कहता है न त्वं तेन निपातितः, उसने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होगा तभी तुम पर दया की और क्रोध नहीं किया, क्योंकि अब पिंगलक की बारी है, वो नीति कहता है त्रिणानि नोन्मूलयति प्रभंजनो मृदुनी नीचैः प्रणतानि सर्वतः। प्रभंजन माने तेज हवा, आजकल देश में सभी जगह खूब आंधी और तूफान आ रहा है, तो उस तरह से प्रभंजन जो तोड़फोड़ करने वाली हवा, माने तेज वेग वाली हवा होती है, आंधी वावरोला जिसको बोलते हैं, तो उसको मृदुनी त्रिणानी जो कोमल कोमल घास होती है वो सर्वतः न उन्मूलयति, उसको नहीं उखाड़ता है, इतनी बड़ी आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर जाएंगे लेकिन जो कोमल घास होती है वो झुक जाती है, क्यों, प्रणतानी, वो झुक जाती है तो उसको वो आंधी कुछ भी नहीं करती है, वो सुरक्षित रहते हैं। स्वभाव एव उन्नत चेतसामयम, जो उन्नत चेतस माने महान, जिसका चित्त उन्नत हो, उनका ये स्वभाव होता है, उनकी प्रकृति होती है महत्सु एव करोति विक्रमम, जो बड़े बड़े हैं, जैसे बड़ी शिलाएं हुई तो उस उखाड़ के आंधी तूफान फेंक, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को जो है आंधी तूफान में गिरना पड़ता है या गिर जाते हैं, या बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उस पर बड़े अपना विक्रम, अपना साहस दिखाते हैं, लेकिन त्रिणानी मृदुनी प्रणतानी संति तानी न उन्मूलयति, उसका उन्मूलन प्रभंजन आंधी तूफान नहीं करता है। ये पिंगलक कहता है, दमनक, तो दमनक इसका प्रतिक्रिया में कहता अस्तु एवं समहात्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जो इतनी बड़ी आवाज कर रहा है वो महान आत्मा है, बड़ा व्यक्ति है, वयम कृपणा, और हम तो छोटे जीव है, तथापि फिर भी स्वामी यदि कथयति, अगर आप कहते हैं ततो भृत्यत्वे नियोजयामि, अब ये मंत्री की जो अपनी चतुराई है, वो इतना बड़ा वो व्यक्ति है जिसको मैं मिल के आया हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं उसको सेवक आपकी सेवा में लगा सकता हूं, उसको अपॉइंट कर सकता हूं आपकी सेवा में, वो आ जाए। पिंगल कहा आह सोच्छ्वासम, स उच्छ्वास सोच्छ्वास, बड़े बड़ा सांस लेकर एक तरफ पिंगलक ने कहा कि अच्छा ऐसा है, मेरी सेवा कर सकता है वो, किम भवान शक्नोति एवं कर्तुम, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, ये पुनः ये सरल वाक्य है जो हम दैनंदिन अभ्यासार्थम संभाषणार्थम वयम प्रयोक्तम शक्नुमः इदम वाक्यम, किम भवान शक्नोति एवं कर्तुम, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। दमनक आह, दमनक ने कहा किम असाध्यम बुद्धेः अस्ति, जिसके पास बुद्धि है या उपाय है या जिसके पास समझ है, युक्ति है, उसके लिए असाध्य क्या है, क्योंकि जीवन में हम बहुत सारी बातें हैं जो मुश्किल लगती है, असाध्य लगती है, लेकिन अगर युक्ति है, तरीका है, टेक्निक है, तो वो सिद्ध हो सकता है। उक्तम च, और कहा है, तो उसके बाद क्या कहा है, कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है, वो दमनक कहेगा, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक अल्प विराम। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव सागर को, जिनके माध्यम से हमने आज के इस व्याख्यान के प्रथम सत्र को यहाँ समाप्त किया। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप आज के व्याख्यान के माध्यम से और भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के बाद हम आप सभी के सम्मुख फिर प्रस्तुत होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि आज हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न के 48वें व्याख्यान को लिए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर। डॉक्टर बलदेवानंद सागर एक संस्कृत समाचार प्रसारक हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित करते हैं। मित्रों, इस व्याख्यान में, खास तौर पर इस सत्र में, हम कोशिश करेंगे कि आप डॉक्टर बलदेवानंद सागर के माध्यम से हम कुछ स्पोकन सेंटेंसेस और भगवद गीता से एक श्लोक सम्मिलित करें। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सागर का, उनके माध्यम से इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सागर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। वयम पंचतंत्र से कथाम शुण्म तत्र पिंगलक दमनकयो संवाद प्रचलति। दमनक कथयति केन प्रकारेण असाध्यम अपि साध्यम भवति, किस प्रकार से जो असाध्य है उसको साध्य किया जा सकता है। बुद्धि से, बुद्धि यानी विवेक, विवेक यानी विश्लेषण करना कि कैसे ये कार्य बने, क्यों, कि नीति में कहा है न तक्षस्त्रै न नागेन्द्रै न हयै न पदातिभिः कार्यं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्ध्या प्रसादितम्। यथा, जिस प्रकार से बुद्ध्या, इकारांत शब्द है बुद्धि, तो तृतीय एक वचन में बुद्ध्या, बुद्धि से, मत्या, प्रसादितम, ठीक किया हुआ, कार्यम काम, संसिद्धिम आपनोति, पूरा हो, सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए कार्य, दिमाग लगाकर समझदारी से, विवेक से अगर कोई कार्य किया हो तो वो कार्य पूरा हो सकता है, सफल हो सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि शस्त्र से हम कर ले, न तच्छस्त्रै, केवल शस्त्र के द्वारा, न नागेन्द्रैहि, नागेन्द्र शब्द के कई अर्थ है, जिसमें हम यहां हाथी कह सकते हैं क्योंकि सेना का संदर्भ है, न हयै घोड़ों के द्वारा, न पदाति भी पैदल, जो पैदल चलता है उसको पदाति कहते हैं। तृतीय बहुवचन है सब में, शस्त्रम का शस्त्रै, नागेन्द्र का नागेन्द्रै, हयै का हय से हयै, और पदाति से पदाति भी। शस्त्र के द्वारा, हाथियों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, या पैदल जो सेना होती है, बटालियन होती है, उसके द्वारा भी वो कार्य नहीं बन पा सकता है, संभव नहीं हो सकता, जो कि बुद्धि के द्वारा किया जाए। बहुत सारी लड़ाइयां हम देखते हैं कि कैसे शिवाजी ने, या महाराणा प्रताप ने, या और इतिहास में बहुत सारे उदाहरण, ये तो मैंने वैसे ही आपको दो उदाहरण दिए, उन्होंने समझदारी से लड़ाई करके बड़ी बड़ी सेनाओं को भी परास्त किया। तो बुद्ध्या, इसीलिए इसी पंचतंत्र में एक कहानी आती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बच्चों को सुनाया जाता, शेर और खरगोश की कहानी, कि कैसे खरगोश शेर को अपनी युक्ति से, शेर को कुएं में डूबने को या जंप करने को विवश कर देता है, और वहां उसका मॉरल है, संदेश है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसी में बल है, जो निर्बुद्धि है, जिसके पास समझ नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, वो कैसे कोई काम कर सकता है। तो यहां भी नीति का वही संदेश है कि बुद्धि के द्वारा जो काम साधा जा सकता, सिद्ध किया जा सकता,
बाकी साधनों, यानी बहुत साधन चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, हाथी घोड़े भी माने, सेना भी चाहिए, पदातिज भी चाहिए, लेकिन केवल उससे नहीं, ये भी हो और साथ में बुद्धि और विवेक और विचार भी हो तो कार्य सरलतया सिद्ध हो सकता है। अब पिंगलक अपनी बात कहते हैं, यद्येवं तर्हि अमात्य पदे अध्यारोपितः त्वम्। अब ये जो बड़े लोग होता है उनका बहुत सरल तरीका होता है कि उनको लगता है कि कोई मंत्री, सचिव, मेरा सबॉर्डिनेट, सहायक ये काम कर लेगा, तो पहले ही उसको प्रलोभन दे दिया, अमात्य पदे तुम्हें मैं सेक्रेटरी बना दूंगा, मंत्री बना दूंगा। यद्येवं, यदि ऐसा है तरही, तो अगर ये जो महान शब्द करने वाला व्यक्ति, सत्व प्राणी मेरा अधीनस्थ बन जाए, मेरी सेवा करे, ऐसा कुछ तुम उपाय करते हो दमनक, तो मैं तुम्हें अमात्य पदे अध्यारोपिता तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट दे दी कि तुमको मैं अमात्य के पद पर, मंत्री के पद पर अध्यारोपित करता हूँ, पद देता हूँ, बैठाता हूँ, असाइन करता हूँ ये पद। अद्य प्रभृति, आज के बाद अब प्रसाद निग्रहादिकम, प्रसाद माने खुश करना और निग्रह माने नियंत्रण, कंट्रोल करना, इत्यादि जितने भी काम है त्वया एव कार्यम, तुम ही करोगे इति निश्चय, ऐसे अथॉरिटी उसको दे दी। अब इतना जब मिल गया दमनक को, दमनक सत्वरम गत्वा, उसके बाद दमनक एकदम सत्वरम, तीव्रम, तूरणम, शीघ्रम, झटिति, द्रुतम, गत्वा जाकर साक्षेपम, आक्षेप के साथ, तम इदम आह। अब जाकर कैसे उसको मनाना है, संजीवक को पटाना है, अनुकूल करना है, तो उससे पहले आक्षेप लगाया, यानी उस पर एक तरह आरोप लगाया, तम उसको, और इदम आह ऐसा कहा, एही एही इतो दुष्ट वृषभ, अरे इधर आओ, इधर आओ, अरे दुष्ट वृषभ, अरे नालायक बैल, मूर्ख बैल, इधर आओ। पहले से अपनी वाणी का प्रयोग इस तरह से किया, स्वामी पिंगलक त्वाम आकारयति, मेरा जो मालिक पिंगलक है वो तुम्हें बुला रहा है, किम निशंको भूत्वा मुहुः मुहुः नरसि वृथा इति। अब ये सारी बात दमनक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए संजीवक पर, क्या इधर उधर तू देखता है, किम निशंको भूत्वा, बिना किसी शंका के, डर के, मुहुः मुहुः बार बार नदसि वृथा, बेकार में, वृथा माने मिथ्या, वृथा नदसि माने ऐसी बड़ी बड़ी आवाज, जैसे बादल गर्जना करते हैं, नदसि आवाज करना, मेरा स्वामी पिंगलक तुमको बुला रहा है, चल। तत्श्रुत्वा संजीवक अब्रवीत, अब ये तीसरे कैरेक्टर की एंट्री है यहां पर कहानी में, संजीवक जो वृषभ है वो ये सुनकर कहता है, भद्र कह अयम कोयम, ये पिंगलक कौन है जिसका, जो मुझे बुला रहा है, दमनक आह। तो दमनक ने कहा, किम स्वामिनम पिंगलकम अपि न जानासी, क्या तुम हमारा जो मालिक राजा पिंगलक है, शेर है, उसको भी नहीं जानते हो। तत्क्षणम प्रतिपालय, वेट करो एक क्षण, एक वेट फॉर वन मोमेंट, फले न एव ज्ञास्यसी, जो परिणाम आएगा उसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ननु अयम सर्व मृगैः परिवृतो वटस्य तले स्वामी पिंगलक नामा सिंहः तिष्ठति। ये देखो सामने सर्व मृगैः, मृग माने वैसे तो हिरण होता है, लेकिन संस्कृत में मृग का मतलब कोई भी पशु जो घास चरता हो या वन विचरण करता हो उसको मृग कहते हैं। सर्व मृगैः, सर्व पशु भी, सभी पशुओं के द्वारा परिवृत, घेरा हुआ, वटस्य तले, इस वट के, बरगद के नीचे, स्वामी पिंगलक नामा सिंहः तिष्ठति, जो स्वामी हमारा पिंगलक जिसका नाम है, उस शेर यहां बैठा हुआ देख सामने। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर, गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः संजीवकः परम विषादम अगमत। बैल तो बैल है, वो तो सहज है, घास चरने वाला, एकदम शाकाहारी है, और शेर जो मांसाहारी है और पूरे जंगल का राजा है, तो जैसे ही पिंगलक का नाम सुना दमनक के मुख से, तो गतायुषम इव आत्मानम, अब तो मैं मर गया, ऐसा समझकर, मन्यमाना, मानता हुआ संजीवक बैल परम विषादम अगमत, बहुत विषाद, दुखी हुआ, और कहने लगा, आहच कहा, भद्र अरे भाई, भवान साधु समाचारो, तुम तो बड़े भले हो, खुश खबरी देने वाले हो,
वचनपटु हो और बोलने में भी बड़े चतुर हो दृश्यते, ऐसा मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है। तद यदि माम अवश्यम तत्र नयसि, यदि राजा ने पिंगलक ने मुझे बुलाया है और तुम मुझे वहां ले जाते हो, तत् अभय प्रदानेन, तो मुझे स्वामिनः सकाशात् प्रसादः कारयितव्यः। पहले तो तुम अभय प्रदान करो, माने किसी प्रकार का मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, मुझे मारा नहीं जाएगा, मेरी सुरक्षा होगी, ये करके स्वामिनः सकाशात् मालिक के सामने खुशी प्रसादः कारयितव्य, माने वो भी खुश हो जाए और मुझे भी अभय वरदान मिले, क्योंकि तुम वचनपटु हो, साधु समाचार हो, ऐसे संजीवक दमनक को एक प्रकार से खुश, उसकी अनुकूलता से उसको खुश करके अपने मीठी बानी बोल के उसको अपने अनुकूल कर रहा है। दमनक आह, तो दमनक बोला, भो सत्यम अभिहितम भवता, अरे भाई ठीक बात कही, सच बात कही तुमने, नीति ही ऐसा, यही तो दुनियादारी है, यही तो व्यवहार है। यता क्योंकि पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि, भूमेः पर्यन्तो लभ्यते, भूमि माने इस पृथ्वी की, जमीन की, धरणी की, पर्यंत माने सीमा, पर्यंत माने अंत, उसका जो आखिरी छोर है वो मिल सकता है, समुद्रस्य, समुद्र का भी छोर, उसका तल मिल सकता है, किनारा मिल सकता है। गिरेह अपि, और गिरी माने पहाड़, पर्वत का शिखर, वो भी प्राप्त किया जा सकता, वहां भी चढ़ा जा सकता है। न कथम चित महीपस्य, महीप राजा, महिम पालयति पृथ्वी का पालन करने वाला राजा, न कथम चित चित्तांतः केनचित क्वचित, केनचित किसी के द्वारा, क्वचित माने कभी भी, उनका चित्तांत माने चित्त के अंदर, दिल के अंदर क्या बात है, क्या सोच रहा है राजा, वो कोई कभी नहीं पा सकता है। भूमि का छोर पाया जा सकता, पृथ्वी के छोर तक जा सकते हैं, समुद्र तैर सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, लेकिन राजा के दिल में क्या बात है इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संजीवक को दमनक कहता है, तुमने सच कहा कि पता नहीं तुम्हें मैं उनके पास ले जाओ और तुम्हें मार डाले, तो अभय प्रदान करने की बात तुमने कही है, बिल्कुल ठीक है। तत्त्वमत्रैव तिष्ठ, तुम यही रुको अभी, यावद अहम तम समये दृष्ट्वा, जब तक मैं उसको जाकर शर्त यानी अभय प्रदान की बात न कराऊं, ततः पश्चात उसके बाद त्वाम आनयामी, तुमको मैं ले जाऊंगा। हम यहीं पर इस कथा को विराम देते हैं, यतो ही अस्माकं तृतीय क्रमे प्रवेशार्थम कालः समुपागतः, एषा अवशिष्टा कथाः आगामिनि व्याख्याने वयं श्रोष्यामः पठिष्यामः, साम्प्रतं तृतीय क्रमे संस्कृत संभाषणाभ्यासं कुर्मः। अस्माभिः केचन पाठा आरब्धा संभाषणार्थं, साम्प्रतं पञ्चमः पाठः वर्तते तस्मादेव पुस्तकात्, तत्र तृतीयायाः विभक्तेः प्रयोगः, तृतीया विभक्ति में जैसे हमने रूप चलाए तो उसके प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है। सरलानि वाक्यानि वयम केवलम श्रुत्वा उक्त्वा अभ्यासम कृत्वा एवमेव व्यवहारेपि संस्कृतम संभाषितुम शक्नुमः। छात्रः कलमेन लिखति, शिक्षकः खटिकया लिखति, पथिकः अंजलिना जलम पिबति, पशुः पशुना सह चरति, शौचिकः सूच्या वस्त्रम सिव्यति। पंच वाक्यानि सन्ति, अत्र छात्रः कलमेन लिखति, स्टूडेंट राइट्स विथ द पेन, कलम से छात्र लिखता है, तो कलमेन अकारांत शब्द है, तृतीया में कलमेन, रामेण बालकेन की तरह बन जाएगा, तो जो इंस्ट्रूमेंटल डिक्लेंशन है तृतीया, उसमें रूप बनता है छात्रः कलमेन लिखति, शिक्षकः टीचर विद द हेल्प ऑफ चौक ही राइट्स, तो खटिका स्त्रीलिंगवाची शब्द है, खटिका चौक को बोलते हैं, खटिकया लिखति, चौक से लिख रहा ब्लैक बोर्ड पे, पथिका जो चलने वाला है पेडेस्ट्रियन पथिक, अंजलिना जलम पिबति,
जलम पिबति पानी पीता है, जलम में कर्म हो गया द्वितीय विभक्ति, लेकिन अंजलि माने दोनों हाथ मिलाकर जब हम पानी पीते हैं तो इसको अंजलि बोलते हैं। इसलिए पतंजलि शब्द में पतत अंजलि यस्य, जिसके हाथों में जल है और अंजलि का जल गिरा रहा, ऐसा व्यक्ति को पतंजलि हम कहते हैं। तो वो तो पतंजलि तो हमारे मुनित्रय में श्रेष्ठ जिन्होंने योग दर्शन दिया है, पातंजलि योग दर्शन और महाभाष्य लिखा है व्याकरण का, और आयुर्वेद का ग्रंथ भी उन्होंने हमको दिया है। तो पथिका अंजलिना, अपनी अंजलि अंजुल से जलम पिबति, तृतीय विभक्ति हो गई, इकारांत शब्द है मतिना अंजलिना। पशु पशुना सह चरती, पशु पशु के साथ घास चर रहा है या खा रहा है, तो पशुना तृतीय एक वचन है, उकारांत शब्द गुरु गुरुना, शंभु शंभुना, तो पशुना सह चरती। सौचिका ये नया शब्द है, सूची माने सुई निडल, तो सूचिम व्यवहारति, सूच्या व्यवहारम करोति, सौचिका टेलर दर्जी, उसको हम सौचिका कहते हैं। सूच्या दीर्घ इकारांत शब्द है, जैसे नदी है तो नद्या होता, तो सूच्या दर्जी टेलर सुई से वस्त्रम सिव्यति, कपड़े को सी रहा है। सौचिका सुच्चा वस्त्रम सिव्यति, तो जिस माध्यम से, जैसे रामः द्विचक्रिकया रेलास्थानकम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, साइकिल से राम विद्यालय जाता है या स्कूल जाता है, ऐसा हम कहेंगे। तो तृतीय इंस्ट्रूमेंटल। रथी रथिना युध्यते, चित्र देकर बता रहा है कि जो रथ पे बैठा हुआ है उसको रथी कहेंगे, माने रथ में बैठने वाला। रथिना युध्यते, रथ में जो बैठा हुआ उसके साथ युद्ध कर रहा, तो रथिन शब्द है, नकारांत शब्द है, उसका रूप रथिना तृतीय एक वचन बन जाएगा। और नकारांत शब्दों का हमने रूप चलाया है, रथी रथिनौ रथिना, रथिनम रथिनौ रथिना, रथिना तृतीय एक वचन, और द्विवचन में रथिनौ रथिभ्याम युध्यते, दो रथी दो रथियों के साथ युद्ध करते हैं, क्योंकि दो बैठे हुए हैं रथ में, तो रथिनौ दो हो गया, रथिभ्याम दो जो रथ पर बैठे हुए हैं उनके साथ, युध्यते युध्यते युध्यन्ते क्रिया में भी द्विवचन है, और बहुवचन में रथिनः रथी भी। अच्छा, रथिनौ रथिभ्याम युध्यते, दो रथ है, दो दो चित्र में दिए हुए हैं, और रथिनः रथी भी युध्यन्ते, बहुत सारे रथ है, यानी दो से ज्यादा, तीन तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो रथों पर बैठे हुए जो रथी है, रथी भी जो रथ में सवार है, उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, तो तृतीय बहुवचन रथी भी हो गया। अब इसी से कुछ और वाक्य है, पहले सुनिए उसके बाद आप समझिए। हस्त्यारोहौ रथिभ्याम न युद्धेति, अभिमन्योहु रथिभिः युयुधे, धनिनः हस्तिना संचरन्ति, राजानः हस्तिभिः नदीं तरन्ति स्म, आचार्यः ब्रह्मचारिणा सह गच्छति, आचार्यः ब्रह्मचारिभ्यां सह संलपति, आचार्यः ब्रह्मचारिभिः सह निवसति, गुरुः विद्यार्थिना सह गच्छति। अब इन वाक्यों में किस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और साथ में कर्ता में द्विवचन है, कर्ता में बहुवचन है, क्रिया में भी तदनुसार क्रिया होगी, तो सरल वाक्य है। हस्ति आरोहः, हस्त्यारोहः द्विवचन में हाथी पर बैठने वाला, माने हाथी की सवारी वाला जो व्यक्ति है, वो रथिभ्याम जो रथ में बैठा हुआ है, न युध्यते, दो हाथी के सवार दो रथ में बैठे हुए के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। अभिमन्युः रथिभिः युयुधे, अभिमन्यु ने रथ में बैठे हुए रथ सवारों के साथ युद्ध किया, रथियों के साथ किया। धनिनः हस्तिना संचरत, जो धनी लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो हाथी के द्वारा घूम रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, तो हस्तिना तृतीय विभक्ति। राजानः हस्तिभिः नदीं तरन्ति स्म, राजा लोग हाथी पर बैठकर या हाथी के द्वारा नदी को तैरते थे। आचार्यः ब्रह्मचारिणा, आचार्य जो है बटुक ब्रह्मचारी के साथ जा रहे हैं, तो तृतीय ब्रह्मचारिन, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिणम ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिणा तृतीय एक वचन। आचार्यः ब्रह्मचारिभ्याम, तो द्वितीय तृतीय द्विवचन में ब्रह्मचारिभ्याम हो गया। सह संलपति, आचार्य बटुक अपने छात्रों के साथ, ब्रह्मचारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आचार्यः ब्रह्मचारी भी सह निवसति, अब ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारिभ्याम, वो ब्रह्मचारिणा
तृतीया एक वचन ब्रह्मचारीभ्याम, तृतीया द्विवचन ब्रह्मचारी भी, तृतीया बहुवचन आचार्य ब्रह्मचारियों के साथ निवसति निवास कर रहे हैं। और गुरु विद्यार्थिना सह गच्छति, गुरु अपने छात्रों के साथ, विद्यार्थिना एक विद्यार्थी है, विद्यार्थिना सह, अब दो विद्यार्थी होंगे, गुरु विद्यार्थिभ्याम सह संलपति, दो छात्रों के साथ बात करें, गुरु विद्यार्थी भी सह न निवसति, विद्यार्थी छात्रों के साथ, बहुवचन है। धनिनः पक्षिणा मनोरंजनम कुर्वन्ति, जो समृद्ध है पक्षी के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, एक पक्षी, कृषका पशु पक्षिभ्याम जीवन्ति, पशु और पक्षी के साथ किसान लोग रह रहे, द्विवचन, पक्षी पक्षी भी सह उड्डयते, पक्षी पक्षी के साथ उड़ते हैं, यान चालक प्रहरिणा सह संलपति, यान चालक जो गाड़ी चला रहा ड्राइवर है वो प्रहरी गार्ड के साथ बात कर रहा है, धर्मशाला तीर्थयात्री भी पूर्णा संति, धर्मशाला में सराय में तीर्थयात्री के द्वारा वो भरी हुई है, तो तृतीय बहुवचन तीर्थयात्री भी। अत्रैव वयम् इमं तृतीय क्रमं पूर्णतां नीत्वा साम्प्रतं चतुर्थे क्रमे गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनम आरभामहे, अत्र चत्वारिंशत्तमः श्लोकः, एकचत्वारिंशत्तमः श्लोकः, द्विचत्वारिंशत्तमः श्लोकः, त्रिचत्वारिंशत् अपि च चतुश्चत्वारिंशत्, 40 41 42 43 44 पांच श्लोक युग्म है इसको लिया है, इसको हम आज आरंभ करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो विभवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, दोषैरेतैर्कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः, उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इस गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक है। अब प्रथम अध्याय हमारे अगले व्याख्यान में पूरा हो जाएगा ऐसा हम मानते हैं। पांच श्लोक लिया है और इसमें अर्जुन अपनी बात कृष्ण के सामने मनोवैज्ञानिक तरीके से कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध के क्या दुष्परिणाम है, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो लेट अस हैव टू रीराइट दिस बाय ब्रेकिंग कंजुगेशंस एंड शोइंग कंपोनेंट वर्ड्स कंटेंड इन कंपाउंड वर्ड्स। हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, समास पद दिखाकर समझाते हैं कि कैसे सरलतया इन श्लोकों का अर्थ समझ सके। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, जो हमारे कुल परिवार फैमिलीज के जो धर्म है, जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जो कि सनातन है यानी एवरलास्टिंग है, वो कुल ही समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो हमारे कुल धर्म भी प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे, हमारा ये जो मार्ग, हमारी ये जो सनातन परंपरा है, मर्यादा है, अगर वो नष्ट हो गए, कुलम कृष्णम, संपूर्ण हमारा जो कुल है अधर्म अभिभवति उत, उत एक तरह से क्या ऐसा नहीं होगा कि जब कुल ही नष्ट हो गया तो अधर्म नहीं होगा, क्योंकि इनकी रक्षा करना धर्म है, इनको मार देना तो अधर्म माना जाएगा, मर्यादा का भंग माना जाएगा, और ऐसा अधर्म होगा तो क्या होगा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, अधर्म के होने से हे कृष्ण हमारी कुल की जो स्त्रियां हैं जिनसे परिवार पूरा चलता है प्रदुष्यन्ति, इसमें प्रदोष आ जाएगा, प्रदूषण आ जाएगा, दोष आ जाएगा, और स्त्रीषु दुष्टासु
अगर स्त्रियों में दोष आ गया तो हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण वृष्णिवंश की आप है, जायते वर्ण संकर, तो वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर माने क्रॉस ब्रीड के लोग पैदा होंगे। और ये बहुत ही समाज की बड़ी प्राचीन और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक की स्थिति है कि वर्ण संकर कैसे होते हैं, और अभी भी है, पहले भी होते थे, लेकिन युद्ध के बाद इसमें ज्यादा संभावना है। और संकर नरकायेव, और वर्ण संकर जो होगा वो नरक माने दुख, या नरक माने अप्रसन्नता या दुष्कृत, वही होगा। कुलग्नानाम कुलस्य च, कुल को मारने वालों के लिए और कुल के लिए वो दुष्कृत लाएंगे, पाप लाएंगे, नरक लाएंगे। पतंति पितरः, और उससे और क्या होगा, हमारी परंपरा है कि अपने जो पितर है, हमारे जो पुरखे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनकी स्मृति में हम जो पिंड दान करते हैं तो वो लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनकी देने वाली जो पिंडोदक क्रिया है वो लुप्त हो जाएगी। दोषे एतै कुलग्नानाम, और कुल को मारने वाले लोगों के इन दोषों के कारण वर्ण संकर कारक, वर्ण संकर करने वाले उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, जो हमारी व्यवस्था है, जाति धर्म है, मर्यादाएं हैं, वो सब उत्साद्यन्ते समाप्त हो जाएगी, और कुल के धर्म शाश्वत है वो भी समाप्त हो जाएंगे। और 44वें श्लोक में उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो कुल धर्म रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फैमिलीज, जो फैमिली क्लैन है जिसको हम कहते हैं वंश परंपरा, वो उत्सन्न समाप्त हो जाएगी मनुष्यों की, हे जनार्दन, और अनियतम नरके वासा भवती, और वो हमेशा हमेशा के लिए दुखी होंगे, ऐसा हम अनुसुश्रुमा ऐसा सुनते आए हैं। इस प्रकार से संधि विच्छेद किया है, और दूसरी एक्सरसाइज में हम अन्वय करेंगे। और कौन से वाक्यांश संबंध सूचक क्रियापद धातु साधित है, कर्तृपद है, पूरक है, वो बताएंगे। तो इसका जो हम पहला श्लोक में कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति धर्मे नष्टे कृष्णम कुलम अधर्मः भवति उत, हे कृष्ण अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, हे वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टाशु वर्णसंकरः जायते, संकरः कुलग्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवति, लुप्त पिंडोदक क्रियाः एषां पितरः पतन्तिः, कुलग्नानां एतैः वर्ण संकर कारकै दोषैः शाश्वता जातिधर्मा कुलधर्मा च उत्साद्यन्ते, हे जनार्दन उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुसुश्रुमा। ये इन पांचों श्लोकों का अन्वय और संधि विच्छेद करने के बाद वाक्यांश का हम विश्लेषण करेंगे, और इसमें देखेंगे शब्दों की समास की विश्लेषण के द्वारा विस्तार से इसका अर्थ समझेंगे। किंतु आज के व्याख्यान का समय यहीं पर पूरा हो गया है, हम आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर को एक बार फिर, और हम यही चाहेंगे मित्रों कि आप जितने भी लेक्चर्स हमने आप सभी के लिए आज तक आयोजित किए हैं, आप इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि इन सभी लेक्चर्स को हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो मित्रों, आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस वादे के साथ कि कल हम दोबारा मिलेंगे, और अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कल दोबारा कुछ नया सीखेंगे। तो मित्रों, आज आपसे विदा लेते हैं, कल मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।